फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आज है शनिवार, एवं सका हो गला 10:30 साढ़े 10:30 पाखापाखि बोधे होनी घंटा ये जाए देखनी कारण आम घर एक घंटा ना सब जिन भुवनेश्वर पलि कौन हो मोर कह आगू आगू आपर भिड देखे जापर मोर घर कंडीशन कौन कौन पाई मो घर पूरा खाली खाली रही सब आपन को धीरे धीरे आप वीडियो देखे जापर। तो आज हूँ आम ब्रेकफास्ट अलरेडी सरी गला हजबैंड जो कल ऑफिस रु आणिक आसते मटन लेकिन आसते आप डिनर हो गला आज सका भी होगा आम रुटी मटन बाबार मोर हो हजबैंड तो खाते नहीं ननभेज सी सका चूड़ा खाई गले चूड़ा अमूल चकटिक देदी तर विकली 5 दिन ऑफिस हुए कि आज से ऑफिस जाइंट कौन कि बोधे कम अच्छी एमती दरकार जाती छुट्टी दिन मानक जाती। तो आज हाफ डे पलैसे आज भाथलू घरे सब पनीपरिया सरी जा आज भाथलू जाइकिसबले जेहतु हजबैंड ऑफिस को पलैले तो पनीपरिया कि आनी है पनीर भाथी रखी हजबैंड पैसा रखी बोली भाभी कितु 500 टाँगा आउ रखी बोली भाभी भूली गली सी हूँ जो ऑफिस पलैले मुझे एमती रखे जिते जहाँ दरकार हुए मागिक रखे तो मोर मेसोर दुटा जिनस आसवर थी तेणु मुझ कल आज पनीर रखिले कारण मेसोर आसा तो रखा कुछ पड़ो तेणु पनीर रखिले तेणु आज घरे बना हे नड़िया बरा कारण गणेश पूजा बेलू हजबैंड 3टा नड़िया नहीं पलि आहरी अच्छी दीटा अच्छी तेनाली नकला मैंने सी तापर सुखी सुखी रही रही खराब हो तेणु आज भाई नड़िया बरा बन पनीर षष्ठी चुट तब चलतु। हाँ आज हूँ जो जीवार अच्छी हूँ टी हेयर कट कर एक्चुअली चुट्टी मोर पूरा सब झड़ी गला चुट्टी को मानने तेल लगे पूरा आज हूँ हेयर कट करी केरोटीन ट्रिटमेंट करी तेणु से लगे 3-4 घंटा टाइम लगे तेणु इवनिंग टाइम रे गले भल तेणु भाई लंच कर दे कि हजबैंड आज रे तेणु लंच कर सारापर हूँ पार्लर जी भाँच 2:30-3 बेलू जी भाँच तेणु जाऊँ कि रोषेवास स्टार्ट होनी तो जाए भाटा बसईदे आपरे नड़िया बरा आज बनैबे आर रेसीपीटा आपण मान सहित सेयार करी केमी लगुच आपड़ भी बनैबे चलते जी रोष घर को जीवा रोषेवास स्टार्ट करवा। तो वर्तमान आसीगली रोषघर को आसिक नड़िया कता छड़ेबार पर्व देखते चली नड़िया टे खाइबी मैंने केष्ट केमेला करा पड़े मत तो छाड़ नड़िया करा मत लगे पृथ्वी हूँ सब गोटे बड़ कम तेणु मु कौन करी ना आ नड़िया आज करा छोट छोट पीस करके दि ग्राइंडिंग जारे पकई दि कम शेष किए बसिका पूरा झाड़ नाल किए बसिक मो द्वारा तो भाई सी बिलकुल हुए तो चलतु नड़िया को कता छड़ा नड़िया भांग पुणी नड़िया भांगा पूर्व भाव कौटी भांगे आमर टाइल भांगे से कम कर बाछी बाछी से पीट थे थोड़ा पुणी नड़िया सैज जदि भल भांगा से आम से चल आम तो नड़िया करवानी तेनाली जमी भांगे भी चल नड़िया गजा हो बाबा खाइबु नड़िया गजा न करिथिले खराब हो आसला नड़िया
नड़िया को छोट छोट पीस करके ग्राइंडिंग कर सारापर मुझे कि अरुआ चाउल नहीं जा दुई तीन घंटा बतुटे मुझे नहीं खीरी अरुआ चाउल कारण खीरी अरुआ चाउल नड़िया बरा टेस्ट बहुत भल होता है। नड़िया बराटा ग्रेवि में जो नड़िया बराटा करके रखा से बहुत जल्दी बनी जाए तेणु आपड़ी चेष्टा करेंगे ये खीरी अरुआ चाउल नहीं कि नड़िया बराटा बनवाई आउल को पूरा पालिस करके बाटे एवं देखते ये नड़िया को मुझे पीस पीस करी काटी ताकि ग्राइंडिंग कर सारापर टे खंड खंड हो जाए। हाँ हाँ ग्राइंडिंग करने पूर्व से जीरा आए चार पांच कला रसुण देकी ग्राइंडिंग करदे तार टेस्ट बहुत बढ़िया आसपे आम जो नड़िया रखी ग्राइंडिंग करें कौन करवा चाउल को मिसई ना अल्प टे लुण देद पूर्वर तापर ताको तावे तेल देखिए गोल्डन कलर होगा जाए टे भाजने कि भाजे बेसी समय भाजबे ना बड़ा टाण हो नड़िया बड़ा में बहुत कम मसला यूज करेंगे जस्ट अदा रसुण और पिज नहीं देखते चपरे टे चप करदे आपचिकी छेचिकी चप करके अदा रसुण नहीं पिज ने टेस्टा नड़िया बड़ा तरकार बहुत भल लगी है। देखते आम नड़िया बड़ा पूरा कमी गोल्डेन येलो हो जाए रखीद गैस रु बाहर करके चलत नड़िया बरा बनइबार मिशन टी स्टार्ट बिल्कुल भी इच्छा होनी मानते पूरा लगुच मैंने खाली रेस्ट नहीं शोपड़ा को जब बेस किसी बन पारे से नड़िया तरकारी बनईदेवि पापड़ टे छाणी नेबी जो पापड़ आ बड़ी फड़ी कर छाणी ने लेंबु फेबू लगे खाईदेव बिलकुल भी मतलब इच्छा होनी आज करने को तेल ताती तेल भलि गलानी ये गोटे तेजपत्र अल्प टे जीरा नहीं जापर जो रखी सब चप करी अदा रसुण पिज कोईगली गोटे बड़ टमाटो को नहींगली तापर लुण टे पकईदेली टमाटो शीघ्र सफ्ट होगापर से गरम मसला पकईदेली गरम मसला जो ना आपड़ ता बदल चिकन मसाला मीट मसाला पके बहुत बढ़िया टेस्ट आसपर टे भाजीदे जमी टमाटो सफ्ट हो मसलू तेल अलग होखु आम मसलू तेल पूरा अलग हो गला दी तीन टाइम मान सीझा आलू को हाथ में छोट छोट पीस करके भांगिकी पकईदे एमती भांगिक पकड़े कौन हम ना आम ग्रेविटा से आलू मिसिक ग्रेविर कनसीस्टेन्सी बहुत बढ़िया रोपर ताक उल्टो पाल्ट करदे पानी देदे देखते आम ग्रेविटा टे फुटी आसानी यही समय आम नड़िया बरा गुड़क सब से पकईदेपर धीरे धीरे जस्ट एपट सेपट करदे धीरे करा ना बरा गुड़ा बहुत सफ्ट अच्छे भांगिज तापर ताक घोड़े टिके समय जस्ट फुटेदे एवं देखते आम नड़िया बरा बनकर रेडीगला जी ग्रेवि अच्छी से थंडा हो बरा गुड़ाक सो कर ना आगे बढ़िया फ्लेवर आसपाई मुझे देशी घी मिसेदेली आदि घर धनिया पत्र थी धनिया पत्र टे पकईदे आपर जमीगला आपंकर नड़िया बरार तरकारी आई दिजण पूरा शोक सब बेले मोबाइल देखा चली चौबीस घंटा मोबाइल रिधि हाँ बापा माँ दीदी तोर हाँ पूरा बेडसीट के कुचकुचा करके पकईकी पूरा कहल आहरी रिधुन आहरी कुचकुचा गुरा करदे मत पूरा पुणी शुकला बेलू सबुदिन पूरा झाड़ी पारिया पड़ू पूरा देख कहला कुचकुचा करदे मत भी जोरसरे गरम लगला तो रोष तो अलमोस्ट सरी गला कि आम पतिदेव आसी ना अफिस रु कतटा है बाबा कही साढ़े गोटे भितर पलैस दीटा है देखा दर्शन ना जा मत तो जी पड़ो साढ़े दीटा रू तीन टा भर जी पड़ो कारण तीन चार घंटा लगिज पार्लर ते शीघ्र मत जा पड़ भात बसईला जो भात बसई नड़िया तरकारी होगा भात बसई नड़िया कौन हाल कही दे हाल कही दिरो ଝାଳ ଟିକେ
କାଟୁଛି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ପୁରା ହେଇଛି ପୁରା ଖୋଲା ଖରା ହେଇଛି ଖରା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି ମେଘୁଆନେ ମାନେ ଛାୟା ଛାୟା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଭାତଟା ଆସିବା ଆହୁରି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରିଧିଆ ବାବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଯଦି ବି ହେବ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ବାଢ଼ିକି ଯାଇଥିବି ଯଦି ଗଲା ଆସିଲାକୁ ନ ଆସିଥିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ରିଧି କାରଣ ମୋର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଆସିଲାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ଡେରି ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ପୁଣି ରାତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ହଁ ସେ ଖାଇକି ସେଇଟା ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ରହିଲା ପରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ପୁରା ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବରା ଗୁଡ଼ା ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛ ବଡ଼ ସିଏ ରୋଷେଇ ଖାଇଲେ ସେଟା ସେ ନ ଖାଉ କ'ଣ ଖାଇ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ପାର୍ଲର ଯିବି କାହିଁକି ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଖାଇବେନି ସେଠି ଖାଇକି ଆସିବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇକି ଆସିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଗଲି ଏବେ ଯିବା ପାର୍ଲର ପାର୍ଲର ନାଁ ହେଲା ପିଙ୍କ ପାର୍ଲର ତା'ର ସବୁକିଛି ହେଉଛି ପିଙ୍କ ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନି ସେଠିକି ବହୁତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତା'ର ବହୁତ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଠି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଠି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଙ୍କ ପାର୍ଲରକୁ ଯିବା ମୁଁ ଏଠି ସାଙ୍ଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆସିଲେ ଯିବା ଟିକେ ଟିକେ ମେଘ ହେଲାଣି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଲୋନୀ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ଆସିଗଲେ ହଁ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ପିଙ୍କ ସାଲନ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତା ଭିତରକୁ କେରାଟିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ହେୟାର କଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ତ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେୟାର କଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଚୁଟିଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି କରିଦେବି ତାପରେ ଯାଇ କେରାଟିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ହେୟାର କଟ୍ ସରିଗଲା ତାପରେ ମୋର ଏବେ କେରାଟିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ରୁଟ୍ ମେ ଅର୍ ଲଗା ଦେତେ हेयर एक्सटेंशन ओ हेयर एक्सटेंशन वो जो छोटा हेयर रहेगा अरे हेयर एक्सटेंशन ये वाला हां वो तो होता है बॉडी लुक ना ये मास्क है अंदर मास्क नहीं है ना अच्छा वो हेयर एक्सटेंशन क्या पूरा मतलब उसको निकालना पड़ेगा ना पूरा परमानेंटली उसको मतलब जैसे बाल जैसे रहता है कोई फंक्शन अटेंड करना है शादी फंक्शन कोई पार्टी वेयर तो आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं परमानेंट ऐसे कुछ नहीं परमानेंट देखो अगर आप परमानेंट कंकोम के वो जो एक एक पाइप रहता है पाइप घुसा के वो हेयर को घुसा देते हैं क्लिप वाला ऐसे क्लिप नहीं पाइप रहता पाइप रहता है और हेयर में घुसा देते हैं बहुत तरीके का रहता है क्लिप वाला भी रहता है पाइप वाला भी रहता है वो ऐसा रहता है और उसको परमानेंट आप नहीं रख सकते क्योंकि फिर बाल अगर वहाँ पर कोम नहीं होगा तो आपके बाल वहाँ उलझ जाएंगे तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने दो महीना उसको मेंटेन रख सकते हैं କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରିଆସିଛି ଲେଜର୍ କମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କେରୋଟିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଟିକିଏ ଚୁଟିଟା ଟିକିଏ ସିଧା ହେଇଯାଏ ନା ତ ଏଥିରେ ଲେଜର୍ ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଖାଲି ଲେଜର୍ କଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଚୁଟିକୁ ପୁରା ଛୋଟ କରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏତିକି ମୋର ଲେଙ୍କ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭାବିଥିଲି ଯେଉଁ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲେଜର୍ କଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ରହିବ ସେତିକି ଲମ୍ବାରେ ମୁଁ ଲେଜର୍ କଟ୍ କରିଦେଇଛି
ଆଜି ହେଉଛି ସେ କହିଛେ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା କିଛି ହେଉଛି ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼େଇକି ଖୋସା କରିଦେବାର ମୋର ଆଦତ, ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ବହୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧେଇନି, କାରଣ ଗାଧେଇଲେ ପୁଣି ମୋଡ଼ି ମୁଡ଼ାକି ପୁଣି ଖୋସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ନ ଗାଧେଇଲା ମାନେ ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆକୁ ଚୁଟିକୁ ସିଧା ମାନେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋତେ ପୁରା ମୋତେ ହେଉଛି ପୁରା ଇଏ ଲାଗିଲାନି ପୁରା କେମିତି ସକାଳ ହେବ। ତ ସକାଳ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁଚପ ସମୋସା ବରା ଆଣିଥିଲି, ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ତ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଡିନର ମୁଁ କରିଦେଇଛି 7:30 ଭିତରେ ମୁଁ କରିଦିଏ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଟିକିଏ ରୁଟି ପନିପରିବା ନାହିଁ, ଆଜି ତ କାଲି ଯାଇକି ଆଣିବୁ, ଆଜି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ଆଣିପାରିଲେନି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ଆଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇଲି ପାର୍ଲର ପଳେଇଲି, ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମା, ତ ଆଜି ଆଉ ପନିପରିବା ଆସିପାରିଲାନି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ କହିବି ଆଣିବେ ବୋଲି, ତ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଦେବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ସିମିଆ ବନେଇଦେବି, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସିମିଆ ଖାଇଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭର ଆଣି ତିନି ଜଣଙ୍କର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବଣି, ଆପଣ ଆଉ ମୋ ପ୍ରସେସ୍ରେ କେବେ ନଡ଼ିଆ ବରା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ବନାନ୍ତୁ କେମିତି ବନିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣା ସିଓର ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।